हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल से कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 6 हमारा चल रहा है इवोल्यूशन, यानी कि हमारा विकास वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने कई सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मिलर व यूरो का प्रयोग। देखिए, जैव विकास के संदर्भ में कई अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग प्रकार से अपने मत यानी कि सिद्धांत दिए, जिसमें आपने लैमार्क का सिद्धांत देखा, जिसको हम लैमार्कवाद या लैमार्किज्म के नाम से जानते हैं, या हम उपार्जित लक्षणों की वंशगति के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपने डार्विनवाद देखा, डार्विनवाद में आपने देखा कि डार्विन ने कैसे बताया कि किस प्रकार से जीवों का विकास हुआ है। इसी प्रकार इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं मिलर व यूरो का प्रयोग। देखिए, ओपरिनवाद भी हम देखेंगे, ओपरिनवाद के सिद्धांत को समर्थन में या ओपरिनवाद का जो सिद्धांत था उसके समर्थन में जो मिलर व यूरो थे, इन्होंने एक प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम मिलर व यूरो का प्रयोग कहते हैं। देखिए, मिलर व यूरो का प्रयोग आपको समझने से पहले, यदि आप अभी तक लैमार्कवाद की भूमिका नहीं देखे हैं किस प्रकार से जैव विकास में है, डार्विनवाद की भूमिका नहीं देखे हैं, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। डार्विनवाद, लैमार्कवाद, मिलर व यूरो का प्रयोग, ये एग्जाम में अक्सर आपके पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। मिलर व यूरो के प्रयोग में भी आपको बस दो तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज ये याद रखनी है कि देखिए, जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में 1953 में क्या किया, मिलर एवं यूरो नामक दो साइंटिस्टों ने जैव रासायनिक सिद्धांत के समर्थन में, यानी जो ओपरिनवाद है, ओपरिनवाद चूंकि जैव रासायनिक सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात रासायनिक पदार्थों से ही जैव विकास हुआ है, ऐसा किसने बताया, ओपरिनवाद में बताया गया। तो ओपरिनवाद जो है, जिसमें कि बताया गया कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो रासायनिक पदार्थों से हुई है, तो जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में ही 1953 में मिलर व यूरो है, और इन्होंने क्या किया कि ओपरिनवाद का समर्थन करते हुए, यानी जैव विकास का जो रासायनिक सिद्धांत था उसका समर्थन करते हुए उन्होंने एक प्रयोग, एक्सपेरिमेंट किया, या एक प्रयोग दिया, या एक प्रयोग किया, आप ऐसा भी कह सकते हैं, जिसे ही हम मिलर व यूरो का प्रयोग कहते हैं। मिलर व यूरो ने अपने प्रयोग में कई सारी अलग अलग प्रकार की बातें बताई, जो क्रमशः यहां पर हम एक एक करके आपको शेयर करेंगे। सबसे पहली चीज यहां पर आपको देखनी है कि मिलर व यूरो के प्रयोग में मिलर व यूरो ने क्या किया कि एक बंद पात्र में इन्होंने क्या किया कि आदि वातावरण में उपस्थित जो उस समय गैसें थी, जैसे हाइड्रोजन था, कार्बन था, ऑक्सीजन भी चूंकि उस समय तक बन चुकी थी जब मिलर व यूरो का प्रयोग हुआ, इसके अलावा नाइट्रोजन, आपस में ये मिले, यानी उस समय जो है चार प्रकार की ये आपस में गैसें थी, जिसमें से हाइड्रोजन था, कार्बन था, ऑक्सीजन था और नाइट्रोजन, ये चार अलग अलग प्रकार के तत्व या एलिमेंट थे। जैसा कि आपने देखा है कि ऑक्सीजन क्रांति जब आई उसके बाद ही वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन आई थी, इसके पहले वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन नहीं थी। तो आदि वातावरण में जो है, आदि वातावरण में स्वतंत्र ऑक्सीजन पहले नहीं थी, लेकिन जब नील हरित शैवालों में प्रकाश संश्लेषण हुआ उसके परिणाम स्वरूप फिर आपने देखा कि किस प्रकार से ऑक्सीजन क्रांति आई। तो ऑक्सीजन भी जब आ गया तो आदि वातावरण में उपस्थित जो उस समय की चार गैसें थी, तो पहले आदि वातावरण में उपस्थित नहीं थी ऑक्सीजन, लेकिन बाद में जब उपस्थित हुई तो वातावरण में उपस्थित जो चार प्रकार के अलग अलग तत्व थे, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन, ये आपस में मिल करके कई अलग अलग प्रकार के इन्होंने यौगिक बनाए। जैसे देखिए, एक H2O बनाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिला तो क्या बना, H2O बना। उसी प्रकार कार्बन व हाइड्रोजन आपस में मिला तो यहां पे CH4 यानी कि मेथेन बना। कार्बन यहां पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिले तो इन्होंने अमोनिया का निर्माण किया, यानी कि NH3 का निर्माण किया, एवं हाइड्रोजन कार्बन व नाइट्रोजन जब मिले तो हाइड्रोजन साइनाइड का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से ऐसा माना गया कि पहले जो है चार तत्व आपस में मिले, यानी कि उन्होंने क्या किया कि एक बंद पात्र के अंदर आप ये कह सकते हैं कि इन गैसों को रखा, जिसमें उन्होंने देखा कि आपस में ये क्रिया करके अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या देखा कि उपयुक्त तत्वों से, यानी जितने भी तत्व उन्होंने देखे उन तत्वों से पृथ्वी में जो समुद्र था, या आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी में अनेक प्रकार के कार्बनिक अणु बने। तो देखिए, आपस में जब ये यौगिक मिले, जैसे हमारे पास H2O बन गया था, इसके अलावा मीथेन बन गया, अमोनिया बन गई, और इसके अलावा हाइड्रोजन साइनाइड बना, ये जब आपस में मिले, यानी ये यौगिक जब आपस में मिले तो ये कई प्रकार से अलग अलग चीजें इन्होंने निर्माण किया, अर्थात इन्होंने बनाया। जैसे यहां पे देखिए, सबसे पहले मीथेन जब मिला किसके साथ, जल के अणुओं के साथ मिला, तब इनसे कई प्रकार की शर्कराएं बनी, इसके अलावा वसीय अम्लों का निर्माण हुआ, व इसके अलावा ग्लिसराल का निर्माण हुआ। ग्लिसराल को आप ग्लिसरीन भी कह सकते हैं। तो शर्कराएं बनी, वसीय अम्ल बना, इसके अलावा ग्लिसराल बना, इन चीजों का निर्माण हुआ।
सेम इसी क्रम में आप देखेंगे कि जब मीथेन H2O व अमोनिया ये जब तीनों चीजें आपस मिली तो इससे क्या बने, अमीनो अम्लों का निर्माण हुआ। तो अमीनो अम्लों से आपको पता है कि अमीनो अम्ल जो होते हैं इनसे प्रोटीन का निर्माण होता है, अर्थात प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, आप पढ़ चुके हैं पहले ही। तो इसमें आपने देखा कि जब मीथेन मिला, जल मिला और अमोनिया, ये आपस में जब तीनों मिले तो इससे क्या बना, इससे बने अमीनो अम्ल बने। और फिर जब ये चारों आपस मिले, जैसे मीथेन, HCl मिला हाइड्रोजन साइनाइड, इसके अलावा H2O और अमोनिया, ये जब आपस में मिले तो इन्होंने किसका निर्माण किया, नाइट्रोजनी क्षारकों का निर्माण किया। यानी नाइट्रोजनी क्षारक आप पढ़े हैं चार प्रकार के होते हैं, यदि आप डीएनए के अंदर जाएंगे तब भी आप देखेंगे कि चार प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। आरएनए के अंदर आप जाएंगे तो बस एक नाइट्रोजनी क्षारक चेंज हो जाएगा, वहां पे थायमिन की जगह क्या जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल यहां पे आपने देखा कि कई प्रकार से, अलग अलग प्रकार से यौगिकों से बड़े यौगिकों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, जैसे अमीनो अम्लों का निर्माण हुआ, नाइट्रोजनी क्षारकों का निर्माण हुआ। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद यानी कि जब शर्कराएं बन गई, वसीय अम्ल बन गया, ग्लिसराल बन गए, अमीनो अम्ल बन गए, नाइट्रोजनी क्षारक मिल गए, तो इनसे फिर किसका निर्माण हुआ। अगले स्टेप में फिर इन्होंने देखा कि इस प्रकार से जो कार्बनिक पदार्थ थे, कार्बनिक पदार्थों में बहुलीकरण हुआ और बहुलीकरण के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के दीर्घ अणुओं का संश्लेषण हुआ। यानी जब मिलर हुआ, यूरो ने प्रयोग किया तो देखा कि सबसे पहले तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन, ये चार तत्व थे, ये आपस में मिलकर के H2O यानी कि जल, मीथेन और अमोनिया और इसके अलावा हाइड्रोजन साइनाइड बनाए। लेकिन उसके बाद इन्होंने देखा कि जब आपस में ये यौगिक मिले तो इन्होंने कई प्रकार की शर्कराएं, वसीय अम्ल, ग्लिसराल, अमीनो अम्ल और इसके अलावा ग्लिसराल का निर्माण किया। फिर इन्होंने देखा कि ये जो छोटे छोटे अणु बने हैं, शर्करा के छोटे अणु बने हैं, अमीनो अम्ल के जो छोटे छोटे अणु बने हैं, नाइट्रोजनी क्षारक के ये जो छोटे अणु बने हैं और जो वसीय अम्ल के ये छोटे छोटे अणु हैं, ये जब आपस में मिलते हैं तो ये एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हैं कि यदि कई सारी शर्करा आपस में मिलेगी तो इससे पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट ही बनेगा, क्योंकि शर्करा एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा नाम है। तो कार्बोहाइड्रेट में आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का स्वाद चूंकि मीठा होता है जिस कारण से इसको शर्करा कहते हैं, इसको आप अपनी भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं। तो शर्कराएं जब आपस में मिले तो शर्करा के बड़े अणु का निर्माण हुआ। जैसे कार्बोहाइड्रेट जब आपस में मिलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट ही बनेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का बड़ा अणु बनेगा। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिले, तो इस प्रकार से जब मान लीजिए हजारों की संख्या में जब आपस में शर्कराएं मिली तो इससे एक बड़े अणु का निर्माण हुआ, यानी कि पॉलीसेकेराइड शर्करा का निर्माण हुआ, अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हुआ। तो शर्कराएं जब आपस में मिली तो पॉलीसेकेराइड बना। उसी प्रकार जब वसीय अम्ल मिला किसके साथ, ग्लिसराल के साथ, तो जब भी वसीय अम्ल मिलता है किसके साथ, ग्लिसराल के साथ, तो क्या बनता है, वसाएं बनती है। तो कई प्रकार की वसाओं का निर्माण भी हुआ। इसके बाद आप देखेंगे कि जो अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल आपस में जब अमीनो अम्ल के साथ मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमने आपको पहले ही बताया कि प्रोटीन जो होते हैं ये अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं। तो कई सारे जब अमीनो अम्ल आपस में मिलेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। इसी क्रम में जब नाइट्रोजनी क्षारक मिले किसके साथ, शर्करा के साथ, आप इसके पहले भी डीएनए वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि जब नाइट्रोजनी क्षारक मिलता है और शर्करा मिलती है तो उससे न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। यहां पर आपको बना लेना है न्यूक्लियोसाइड्स। तो देखिए जो न्यूक्लियोसाइड्स है ना, न्यूक्लियोसाइड्स में दो चीजें होती है, एक तो कोई भी नाइट्रोजनी क्षारक होता है और एक शर्करा होती है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण हुआ, जैसे ही नाइट्रोजनी क्षारक शर्करा के साथ क्रिया किया तो इससे क्या बना, न्यूक्लियोसाइड्स बना। फिर इसके बाद देखिए जब आपस में न्यूक्लियोसाइड्स के साथ, अब न्यूक्लियोसाइड्स बन चुके हैं, न्यूक्लियोसाइड्स के साथ जैसे ही फास्फोरिक अम्लों के अणु जुड़ गए आकर के, यानी H3PO4 या फास्फोरिक अम्ल जुड़ गया जैसे ही न्यूक्लियोसाइड्स से आकर के, वैसे ही न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण हो गया। अब आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक एसिड आपने दो प्रकार के पढ़ा है, डीएनए व आरएनए। आप डीएनए की बात करो या आरएनए की बात करो, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। बस वहां पे आप कहेंगे कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और आरएनए में राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो छोटी छोटी यहां पे कार्बनिक अणु बने थे उनसे बड़े कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ। तो मिलर एवं यूरो के प्रयोग में तीन चार स्टेप आपको याद रखना है। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या देखा कि वातावरण में तीन चार तत्व थे, वो तीन चार तत्व आपस में क्रिया करे तो तीन प्रकार के उन्होंने यौगिक बनाए,
और फिर वो यौगिक जब आपस में क्रिया किए तो कार्बनिक अणुओं के छोटे छोटे अणुओं का निर्माण किए, और फिर कार्बनिक अणुओं के जो छोटे छोटे अणु थे ये जब आपस में क्रिया किए तो कार्बनिक अणुओं के बड़े अणुओं का निर्माण किए। अब जब कार्बनिक अणुओं के बड़े अणुओं का निर्माण हो गया तो इसके पश्चात कार्बनिक पदार्थों तथा लवणों ने संगठित होकर के प्रथम जीव का निर्माण किया। यानी मिलर एवं यूरो ने माना कि जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो चुका है ये कार्बनिक पदार्थ ही अनेक प्रकार के कई प्रकार से लवणों से मिलकर के संगठित होकर के जीवों का निर्माण करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है लैमार्कवाद के बाद आपने देखा डार्विनवाद, डार्विनवाद के बाद ये हम देख रहे हैं मिलर व यूरो का प्रयोग। इसके बाद यदि कोई टॉपिक छोड़ भी गया होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको भी हम कवर करा देंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।